हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबका वेलकम है मेरे एक और नए व्लॉग में। और गाइस, अभी भाई मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ क्लास के लिए। तो चलो बस फटाफट निकलते हैं हम जल्दी से कॉलेज। अभी मैं आ चुका हूँ कॉलेज में, मतलब आ तो गया था। पहले मेरी एक क्लास भी हो चुकी है, तो अब बस दूसरी क्लास का टाइम होने वाला है। उसके लिए भाई मैं वेट कर रहा हूँ। अभी मेरे दोनों फ्रेंड भी नहीं आए हैं और अभी ज़्यादा कोई स्टूडेंट भी नहीं आए ना, तो बस जैसे ही क्लास का टाइम होगा फिर चल दूँगा मैं क्लास लेने। लाइब्रेरी जा रहा हूँ गाइस मैं अभी। ऐसे ही गाइस, अभी लाइब्रेरी में गया था मैं, बट वहाँ पर जो डेस्क होती है ना वो बंद नहीं है, तो वो मना कर रहे हैं अभी वहाँ पर रीडिंग करने के लिए। तो देखता हूँ अभी कुछ और कर सकता हूँ। तो गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ बाहर भाई रीडिंग रूम से। मैं थोड़ी देर रीडिंग रूम में पढ़ने बैठ गया था क्योंकि रोहन और उसकी क्लास थी ना, शम्स की नहीं थी, रोहन की थी। तो चलो अभी चलते हैं, उसकी ख़त्म हो गई। मेरा ही मेरा जी आए आए भागी उड़ान। और गाइज, अभी हम खड़े हुए यहाँ पर, रोहन भी आ चुका है। इसकी तो सही है भाई, क्लासेस लग रही है सारी। क्लास हो गई आज। मेरी तो बस एक ही हुई है यार। स्टूडेंट हुआ ना फिर तुम्हारा। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, एक ही हुई है। अब दूसरी के लिए खड़े हुए हैं, सर का वेट कर रहे हैं। सर आएंगे उम्मीद है अभी, वरना फिर हम सीधा सर को स्टाफ रूम से ही बुला कर लाएंगे। आज इतने दिन हो गए सर, क्लास लो आज तो आप। और गाइस देखो, अब तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं भाई। विंटर्स में स्टूडेंट्स ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि इस समर में तो ये रहता है भाई, धूप होती है ना, तो सब फटाफट अपनी क्लास में ही बैठे रहते हैं। अब तो ये है भाई, आराम से गार्डन में बैठे हुए हैं, सब धूप खा रहे हैं। अच्छी खासी भीड़ लगी रहती है गार्डन में इस टाइम पर। तो सो गाइस, अभी हम ढूंढ रहे हैं भाई सर को। हमारी सोसाइटी में होना है हमें किसी, बट सर मिल नहीं रहे हैं। कहाँ पर हैं आजकल सर? खोज रहे हैं सर को भाई, इतनी देर हो गई। हाँ, देखते हैं अभी, क्या पता मिल जाए। ढूंढ रहे हैं। और गाइज, अभी मैं जा रहा हूँ भाई क्लास में। सर का मैसेज आ गया था कि सर क्लास में आ गए हैं, तो चलो अभी जल्दी से क्लास में चलते हैं हम भी फटाफट से। हम बाहर आ गए थे ना वरना। तो गाइज, अभी हमारी क्लास हो चुकी है और आज तो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सर ने आज बढ़िया से पढ़ा दिया। सर ने क्वेश्चंस बताया आज इम्पोर्टेंट। गाइस देखो, यहाँ पर कितने टाइप्स के काइंड्स के पौधे लगा रखे हैं इन्होंने। एलोवेरा, स्पेयरमिंट, इंसुलिन, थॉर्न एप्पल और पीछे भी बहुत सारे हैं भाई। तो चलो गाइस, अभी चलते हैं हम घर पर भाई। अभी कुछ है नहीं, हमने सारी क्लासेस भी ले ली थी अपनी, तो निकलते हैं हम घर के लिए बस। सो गाइस, अभी मैं निकल चुका हूँ कॉलेज से। अब चलो बस भाई घर पर चलते हैं। गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ घर पर। और भाई सही है, आज तो मतलब मेरी क्लासेस हो गई, तो थोड़ा वॉर थिएटर रहा कॉलेज जाना, इसलिए मैंने ज़्यादा बनाया भी नहीं था क्योंकि व्लॉग नहीं बनाया ज़्यादा क्योंकि क्लासेस चल रही थी ना मेरी। और अभी मैं आ गया हूँ घर पर, चलो बस अभी लंच ही करूँगा मैं। और गाइज देखो, अभी मानसी दी आ चुकी हैं भाई। मैं तो दोपहर में सो रहा था, जीजू तभी आके इन्हें छोड़ के और चले भी गए वापस। जीजू रुके क्यों नहीं, बाद में आएंगे मुझे। अच्छा, जीजू को भाई कुछ जरूरी काम से जाना भी था, इस वजह से जीजू
छोड़ के चले गए मानसी दी को। तो कैसे हो आप? ठीक हो? सब बढ़िया? बढ़िया। और सब ठीक है ना? घर पे भी सब ठीक? सब ठीक। तो चलो गाइस, अभी पूजा का टाइम हो गया, अब मैं पूजा करता हूँ भाई। तो चलो गाइस, अभी रात के 8:30 बज चुके हैं, डिनर टाइम हो गया है, तो अब डिनर करते हैं। और गाइस, आज मम्मी ने डिनर में बनाई है मिक्स सब्जी, जिसे वही हरी प्याज आलू मटर वगैरह डाल रखा है, गाजर मम्मी ने। और यहाँ पर ये है राजमा जो विनीता दीदी देकर गई हैं, और ये घी के कोफ्ते हैं जो शिखा दीदी देकर गई हैं, और इधर है रोटी। बस चलो अब मैं खाता हूँ, बहुत बोल लिया। और गाइस, अभी भाई मैं डिनर करके यहाँ पर बैठा हुआ था एडिटिंग करने के लिए, बट मुझे आवाज़ आई अभी पल्ली तरफ, देखो मम्मी डैडी कन्नू वगैरह ये सब देख रहे हैं, तारक मेहता, वो भी पता है कौन सा एपिसोड, भूतनी वाला। जो याद होगा आपको, बहुत पहले भूतनी वाला एक एपिसोड आया था, वो वाला देख रहे हैं। तो मैं भी अभी चल के देखता हूँ, थोड़ा सा भाई एंटरटेनमेंट के लिए मज़ा आएगा। डैडी तो देखो आराम से लेट के देख रहे हैं। गाइस, इट इज टू मच डेंजरस एपिसोड। मतलब ये एपिसोड ऐसा है, इसे अब भी देख के डर लग जाता है। भूतनी वाला एपिसोड है जेठालाल का, तारक मेहता का। सो चलो गाइस, अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि भाई फिर मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं, मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरे मतलब इतने ज़्यादा लोग देख रहे हैं वीडियो, तो मैं और बेस्ट दूंगा अपना। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।